दिल्ली में हुई हिंसा में कई परिवारों के चिराग बुझ गए तो कई परिवार ऐसे हैं जिनके अपनों का कोई अता पता नहीं है। दिल्ली के खजूरी खास में दंगाई एक 26 साल के युवक को अपने साथ उठाकर ले गया। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। लाचार मां अपने बेटे की तलाश में कभी अस्पताल तो कभी शमशान तो कभी पुलिस थाने के चक्कर लगा रही है। वहीं दिल्ली के चांदबाग इलाके से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान और परेशान करने वाली है। ये दिल्ली के भजनपुरा के करीब चांदबाग इलाके की तस्वीरें हैं। बिखरे पड़े ये पत्थर सड़क बनाने के लिए नहीं लाए गए बल्कि मंगलवार को दंगाइयों ने इतने पत्थर बरसाए कि इस सड़क का इतना बुरा हाल हो गया। दंगाइयों ने इलाके की ज्यादातर दुकानों को आग के हवाले कर दिया। यहाँ के लोग अब दहशत में हैं। खजूरी की एक गली में हम लोग मौजूद हैं इस वक्त और आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं। लोग महिलाएं जो हैं वो अभी भी बाहर हैं और भयावह तबाही की जो तस्वीरें हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब बच्चे बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर भी नहीं कहीं मिल रहे हैं, कहाँ दिखाने जाएं? क्या कुछ घटा यहाँ? जो बाहर तो बहुत ज्यादा तबाही की तस्वीरें हैं, गलियों में भी क्या ऐसा हुआ? जैसे बाहर है वही वैसे ही अंदर है, वही गलियों में तबाही हुई है। ऐसे डर रहे थे, गेट तोड़ रहे थे, पीछे से गेट तोड़ रहे थे, गेटों में पत्थर मार रहे थे, सारे गेट पीछे के हमारे छतों के गेट तोड़ रहे थे। दिल्ली में भड़की हिंसा में अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके अपनों का कोई अता पता नहीं। दिल्ली के खजूरी खास में दंगाई एक 26 साल के युवक को अपने साथ उठाकर ले गए। ये उसी लापता युवक की माँ है जिसका रो रो कर बुरा हाल है। ये मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। लाचार माँ अपने बेटे की तलाश में कभी अस्पताल कभी शमशान तो कभी पुलिस थाने के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उन्हें बेटे की अब तक कोई खैर खबर नहीं। सर ये मेरे भाई की तस्वीर है सर। क्या नाम है? सर इनका अंकित शर्मा नाम है सर और सर इनकी उम्र 26 साल है। तो आप लोग अस्पतालों में आपने देखा? जीटीवी अस्पताल देख के आ चुके हैं सर। हम तो मुर्दा घर में देखे आए। हम सब्जी माल रोल चले गए। कच्ची खजूरी में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी, अब हम गोकुलपुरी में रिपोर्ट भी लिखवाई है। बोल रहे सुबह आना जब नेट पे तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। नेट नहीं चल रहा भैया, मेरी रिपोर्ट लिख लो, नेट पे चला दो। नहीं चलाई नेट पे मेरा बच्चे की रिपोर्ट। ये स्थिति और ये हालात हैं, अपने आप में बता पाना शायद अब बेहद मुश्किल। और ये दंगों के जख्म हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।